दोस्तों आप लोगों के सामने जो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, क्यों दोस्तों, क्या वजह रहती है, इस सारी वजह के बारे में इसी एक क्वेश्चन से जानेंगे। और मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन में आज के बाद कभी भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गलती नहीं होगी और सेकेंडों में ऐसे क्वेश्चन को आप निपटा लेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पहले देखिए क्या कह रहा है, 2 × 3 / 2 × 2 का लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ का, फिर लिखा हुआ 3 × 2 / फिर ब्रैकेट लगी हुई 4 + 4 × 4 / 4 का 4 − 4 / 4 × 4 ब्रैकेट बंद। दोस्तों ये क्वेश्चन है और इसका मान पूछा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ 2019 SSC CGL में। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों एक रूल अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक लाइन में निपटा सकते हैं, क्लियर रखना। तो रूल ही को जानेंगे हम दोस्तों। सबसे पहले देखिए बोर्ड मास रूल से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास रूल से पहले हमें सबसे पहले देखना है कहीं का या ऑफ या का, इंग्लिश में ऑफ या का हिंदी में लिखा हुआ तो नहीं ना है, तो है दोस्तों का यहाँ पर है, का यहाँ पर है, तो पहले हमें का को काटना है। रूल क्या कहते हैं, का को पहले काटिए उसके बाद बोर्ड मास रूल को लगा दीजिए। तो इसी का को हमें ये का कह क्या रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 × 3 है, भाग है 2 का 3, यहाँ पे इन्हीं दोनों नंबर को लिखना है, यानी का के लेफ्ट और राइट में जो दो नंबर है उन्हीं को लेना है। क्या करना है, 2 बनाना है और का की जगह गुणा बनाना है 3 बना करके उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। या अब यहाँ पर डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं 3 × 2 = 6, लेकिन कंफ्यूज ना हो इसीलिए इसको लिख ही देते हैं ताकि आगे का स्टेप में कहीं कंफ्यूजन नहीं कि ये कहां से, फिर आगे का जो स्टेप है वो यूं ही वैसे ही आप उतार लीजिए। यहाँ पे देखिए 4 + 4 × 4 अब यहाँ पे रुक जाएंगे, क्यों रुक जाएंगे, यहाँ पर ये हमने 3 स्टेप लिख लिया 4 + 4 × 4, यहाँ पर देखिए भाग है, भाग हमने बना दिया। अब यहाँ पर 4 का 4 बस यहाँ पे रुक करके इस 4 × 4 कर लेना है, क्या 4 × 4 कर लेना है, सेम वही चीज, लेफ्ट और राइट के नंबर और बीच का की जगह गुणा, क्लियर रखना। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस बना देंगे, भाग है, भाग बना देंगे, 4 करेंगे, गुणा करेंगे 4, फिर ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए। आप चाहें तो एक बीच में छोटी ब्रैकेट होगी, इसको मझला बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही छोड़ दे, कोई तब भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बोर्ड मास रूल लगाएंगे। बोर्ड मास रूल क्या कहता है दोस्तों, बोर्ड मास बीच से पहले आता है, बोर्ड मास कहता है कि ब्रैकेट को पहले तोड़ दीजिए, तो हम ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट को तोड़ना है तो ब्रैकेट के अंदर के काम को भी खत्म कर देना है। जैसे ब्रैकेट के अंदर का काम क्या, 2 का 3 में गुणा करना है, तो 2 × 3 = 6 × 2 / पहले क्या करेंगे, एक अंदर वाली ब्रैकेट को हम निपटा लेते हैं, उसके बाद इसको हम बोर्ड मास, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा, −4 / 4 × 4, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ये भी ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के काम को खत्म कर लेंगे। बोर्ड मास क्या कहता है दोस्तों, सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़िए, उसके बाद ओ से आ ऑर्डर वगैरह है तो खत्म कीजिए, नहीं तो दोस्तों उसके बाद क्या करना है, डिवीजन यानी कि भाग को देखना है। भाग कहाँ कहाँ पे चिन्ह है, यहाँ पर देखिए, इन दोनों का भाग करना है और इन दोनों का भाग करना है, क्लियर है। यहाँ पर 16 से 4 में भाग देना है, तो 16 बड़ी संख्या, 4 छोटी है, तो यहाँ पर मैटर आप फंसेगा तो गलत कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 × 16 को आप लिख क्या सकते हैं दोस्तों, 4/16 कोई दिक्कत। अब यहाँ से काट सकते हैं, 4 × 4 = 16, यानी कि 1/4 आएगा, यानी कि 2 × 3 / 6 × 2 लिखेंगे, ये तो पूरा का पूरा यूं ही उतार लीजिए, ब्रैकेट बनाइए 4 + 4 × 4, यहाँ पर इतने की जगह 4/16 की जगह 1/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, यहाँ पर यही मैंने लिखा है यहीं से, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर माइनस है, 4 का 4 में भाग देंगे, 1 आ जाएगा × 4। अब दूसरा काम क्या करना है, ब्रैकेट को हम खत्म कर रहे हैं, दूसरा काम उसके बाद गुणा वाला करना है, भाग के बाद क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर चलिए गुणा कर लीजिए। गुणा करने की क्रिया में नीचे ऊपर का कट जाता है, तो 4 × 4 काट लेंगे, यहाँ पर भी गुणा करना है तो 4 × 4 हो जाएगा, यानी कि 2 × 3 / 6 × 2 / अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों इसको काटेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ लेंगे, यानी 5 हो जाएगा, और ये 4 × 4 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 5 − 4 बचेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब इसके अंदर को घटा लेंगे, घटाएंगे 5 में से 4 तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत, ब्रैकेट खत्म हो गई। अब पुनः इसमें आएंगे तो इसमें भी पहले क्या करना, भाग को हमें खत्म कर देना, ब्रैकेट है नहीं, तो भाग कहाँ कहाँ है, यहाँ पर देखिए 3 का 6 में है और 2 का 1 में, यहीं पे भाग 2 जगह दिख रहा है, तो दोनों को निपटा दीजिए, सेम वही है, देखिए 6 से 3 में भाग देना, ये बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे, 3 से काटेंगे तो 2 बच जाएगा, यानी कि 2 × इसको क्या लिख सकते हैं, 3/6 को 1/2 लिख सकते हैं, जैसे 3/6 को क्या लिखेंगे दोस्तों, 3/6, काटेंगे क्या आ जाएगा, 1/2, 3 × 2 = 6, क्लियर, 1/2 लिख देंगे, फिर गुणा है, गुणा बनाएंगे, 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए सब गुणा है, काम कर लीजिए, नीचे ऊपर का कट रहा है काट लीजिए, और 2 का 1 में गुणा कर देंगे 2 आ जाएगा, यही आप
आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये तरीका मालूम रहेगा तो इतना स्टेप बाय स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, बस यहीं पे एक ही लाइन में आप देख लेंगे कि कहाँ पे गुणा का भाग क्या क्या करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही शानदार और धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।